उमरी भिंड वल्लम के हमले से घायल युवक ने तोड़ा दम, परिजनों ने किया थाने का घेरा। दरअसल मामला भिंड जिले के उमरी थाना अंतर्गत पुलावली गांव का है, जहां 26 सितंबर 2020 को झगड़े में सुंदर नाम का युवक घायल हुआ था, जिसकी इलाज के दौरान कल 21 नवंबर 2020 को मौत हो गई। मृतक के भाई शैलेंद्र सिंह ने उमरी पुलिस को बताया कि मेरे भाई सुंदर सिंह माउरमिला भाई गजेंद्र सिंह पुलावली निवासी के साथ गांव के ही महीपत धीरेन्द्र शिवराज कुन्नू ने मारपीट की और मेरे भाई सुंदर के ऊपर बल्लमम से हमला किया था। आनंद फानंद में सुंदर को ग्वालियर इलाज के लिए ले गए, लेकिन आराम नहीं मिलने पर सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में इलाज के लिए ले गए और कल 21 नवंबर 2020 को सुंदर ने दम तोड़ दिया। जयपुर से सुंदर के शव को एम्बुलेंस द्वारा भिंड लाया गया, जहां उमरी थाने में शव को रखकर परिजनों ने थाने का घेराव करते हुए परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपियों के खिलाफ कोई बड़ी धारा नहीं लगाई गई थी। आरोपियों पर 302 की कायमी हो, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो। उमरी थाना प्रभारी दीपेंद्र यादव ने परिजनों की शर्तें मानते हुए उन्हें समझाइश दी। इसके बाद परिजन राजी हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। भिंड से प्रदीप राजावत की रिपोर्ट। जयरो हॉस्पिटल में भर्ती भी रखा, लेकिन कोई भी गंभीर मतलब इतना गंभीर अपराध होने के बाद भी कोई भी धारा नहीं बढ़ाई गई, मतलब जिस हिसाब से धाराएं बढ़ाई जाना थी। उसके बाद लगातार इनका इलाज होता रहा और कोई फायदा नहीं पड़ा, फिर भी फायदा नहीं पड़ा और इनकी लिंक हॉस्पिटल में भर्ती किया। उसके बाद फिर SMS जयपुर ले गए और कल इनकी डेथ हो गई। विवाद की वजह क्या थी? विवाद की वजह छोटे से एक दुकान पर मोबाइल के ऊपर धक्का मुक्की का विवाद था, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी और उनका एक पहले से ही आतंक था, उनका एक उग्र स्वभाव पहले से ही था और इसीलिए इनके उन्होंने उग्र स्वभाव के कारण अपनी मतलब बल्लम से उन्होंने बात की। बल्लम किस के नाम? आरोपियों के नाम पप्पन शिवराज सिंह, शिवराज सिंह और पप्पन महिपत सिंह, नीलेश और कुन्नू और धीरेन्द्र, ये सभी आरोपी थे। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम सुंदर सिंह राजापत।